श्री राम। हाँ हम क्या बात कर रहे थे, दहेज सीरीज, दहेज दहेज के ऊपर बात कर रहे थे। दहेज आप समझ गए, अभी थोड़ा इस्लामिक कानून के ऊपर आते हैं। वो ये क्या आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, ओ आयशा, अहमदाबाद की आयशा, वो मारी गई, मतलब खुदकुशी कर ली, ठीक है। तो उसका जो भी ये दहेज के लिए ये खुदकुशी किया, ये आयशा, इसका ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है? ओरिजिनल प्रॉब्लम दहेज है या ओरिजिनल प्रॉब्लम लालच है? ठीक है, वो जो भी मैंने उसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च किया, जितना मुझे मालूम पड़ा तो ये लड़की एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, उसका कुछ मसले आए, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ये अरिब इसी के लिए उससे 1.5 लाख रुपया लिया था, मेरे को मतलब जो ये यूट्यूब चैनल से मेरे को जितना मालूम पड़ा। यहाँ पे दहेज कहाँ आ गया? मतलब यहाँ पे कुछ घुसेड़ा जा रहा है क्या? दहेज का एंगल, एंटी डाउरी लो, ताकि वो आरिफ को थोड़ा केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने उसके ऊपर। और क्या सुना मैंने, ये लड़की के बाप से पैसा मांग रहा था, वो लाके उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा खर्चा करेगा, ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, ठीक है। ये दहेज कहाँ? तो किसी को, ये तो किसी उससे जो भी है, ये दहेज ये थोड़ी मांग रहा बोल रहा था, तो अपने ये बाप के प्रॉपर्टी से पैसा मेरे को दे लाके, हैं? वो बाप बाप से वो ये बोल, या ये बोल रहा होगा तू ये दे, मैं मेरे गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा खर्चा करूँगा, वो बोल रहा था मेरे को कोई ज़रूरत है, अगर ये तेरे बाप के पास पैसा है तो तू लाने की कोशिश कर, ऐसा कुछ जो भी है। वो तो एग्जैक्टली क्या है, वो बोला क्या नहीं बोला, वो तो मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बोल सकता, वो उसका बाप ही बेहतर बोल पाएगा, उन लोगों के बाद बातचीत क्या हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ऊपर दे रहा था, और ये जो लड़की, वहाँ पे भी और एक एंगल है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं होगा, ये लड़की एम ए है, वो आसिफ, वो ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा, मतलब मैट्रिक ऐसा कुछ, ठीक है। ये लड़की एम ए है, उसका हैंड राइटिंग देख रहे हो, देखने से मालूम पड़ जाता है वो कि मतलब कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये मैन ये जो भी ये मुस्लिम लड़की हुआ तो क्या हुआ, मतलब वो पढ़ के गई, वो उसको उसकी हैंड राइटिंग, इसका स्कूल उसका अच्छा गुजरा होगा, ये इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ब्रिलियंट स्कॉलर थी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्कूल में वो मेहनत करके वो वहाँ तक पहुँची, ऐसा नहीं ये ऐसे ही जाके पहुँच गया, मतलब पीछे जग लगा जैसे बिहार में टॉपर बनते हैं वैसा नहीं, ठीक है। ये मेहनत करके जहाँ तक भी पहुँची थी, अच्छा एम ए थी, ये था। तो ये लोग ये दोनों लव मैरिज किए थे, ये कोई अरेंज मैरिज था नहीं, अगर अरेंज मैरिज रहता है इसका मसला कुछ और होता, ठीक है। अच्छा और क्या, हाँ तो इस्लाम में ये जो लड़की है, इस्लाम में तो 4 शादी की इजाज़त है, ठीक है। इस लड़की को नहीं मालूम, जो लड़की शादी करके ये आयशा गई, इसको मालूम था कि नहीं था? इस्लाम में 4 शादी, अगर 4 शादी अलाउड है, ठीक है, अगर 4 शादी अलाउड है, तू एक घर में है, और भी 3 लाने का तेरे पति को हक है कि नहीं, इस्लामिक कानून क्या ये नज़रिए से ये हक है, ये इंडिया में भी इस्लामिक पर्सनल लॉ चलता है, तो हक है, तो वो तो बाहर घूमे, अगर आप ये उसको हक दे रहे हो, मतलब उसको वो राइट दे रहे हो, हक दे रहे हो, तो वो करेगा, तो गर्लफ्रेंड ये रखा क्या बुरा कर दिया, क्या बुरा किया, अगर रखा भी तो क्या बुरा किया, अगर ये शादी किसी से आप अप्रोच करोगे, बातचीत करोगे, तभी तो जाके आप शादी करोगे, या ऐसे ये मतलब किसी के घर में घुस जाएगा, मैं अपनी आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ होगा, मान लो उन लोगों का चक्कर भी था, मैं ठीक है, वो शादी भी कर लेता, एक शादी कर चुका है, ये है सेकंड मैरिज, जिसके साथ वो अब फिलहाल उस जो गर्लफ्रेंड है उसका बोल रहे हैं उसके साथ करता, फिर ये उसके बाद और एक करता, उसके बाद एक वक्त में 4 बीवी रख सकता है एक आदमी, यही तो इस्लामिक कानून है कि नहीं? तो वो इस्लामिक कानून के अनुसार तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा था,
ठीक है, लेकिन ये खटकी किसको, उसकी पत्नी को। नहीं आसिफ खाली मेरा है, मतलब ये मेरी है, मेरा है जो अभी उसका पुलिंग स्त्रीलिंग मेरे को इतना ये नहीं, मेरा मदर टंग हिंदी है नहीं, ठीक है, तो वो खाली मेरा है। तो इनसिक्योरिटी इसके अंदर घुस गई, ठीक है, और जो अभी डोमेस्टिक मसले होते हैं इन दोनों के बीच चला। चलने के बाद ये मारा गया, ये मारी गई। तो ये मोटा मोटी थ्योरी है, ये मौलाना क्या बोल रहे हैं, हाँ ये मोटा मोटी थ्योरी है। ये मौलाना लोग क्या बोल रहे हैं, इस्लाम में दहेज तो है नहीं, मेहर है। अल्लाह का लिखा हुआ मेहर कानून है। हम लोग दहेज देते नहीं, लड़की को पैसा दे के ये शादी करके लाते हैं। अगर उस टाइम भी नहीं दे पाए, मान लो 2 लाख मेहर में रिश्ता तय हुआ था, मेहर कौन मांगेगी, लड़की मांगेगी। 2 लाख का अगर हुआ था, मैं फिलहाल पकड़ नंगू पंगू मुसलमान हूँ, मैं 2 लाख नहीं दे पाऊंगा, मैं 10,000 दे के बीबी को ले आऊंगा, बाकी उधार रहा, ठीक है। ये जब वक्त गुजरेगा, मैं हर महीने इंस्टॉलमेंट भरूंगा, अल्लाह का लिखा हुआ कानून है। अल्लाह का लिखा, आपने क्या पाक हाथों में क्या तकते, क्या कहते हैं, लोहे की फलक पे लिखा हुआ ये कानून। बीबी लेके आओ, 10,000 दो, उसके बाद महीने हर महीने इंस्टॉलमेंट भरो, अगर 1 महीने डिफॉल्ट हुआ उसके ऊपर कोई क्या सॉलिड कानून है, अल्लाह ने लिखा, अल्लाह ने लिखा। ये लोग, आप लोगों को मतलब आप लोग सचमुच दिमाग का आप लोगों का खतरा हो चुका। क्यों मैं बताऊंगा, सुनो, इस कानून से नुकसान क्या होगा मेरे से, सुनो मैं बोलता हूँ। हम लोग के पुरखे कानून लिखा करते थे, ठीक है, इसीलिए हमें मालूम है, क्या मालूम है कि कानून कैसे लिखा जाता है। तो ये जो कानून है, देखो गौर से देखो, अपने आसपास भी देखना, देख के क्या चल रहा है। ये मैं यहीं पे बैठ के, मेरा मुस्लिम ये कम्युनिटी से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, मैं ना तो उन लोग वो लोग क्या, मैं सबसे नज़दीकी कांटेक्ट मेरा यूट्यूब है मुस्लिमों के साथ, ठीक है, नज़दीकी कांटेक्ट ये है। एक दो मेरे स्टूडेंट रह चुकी हैं, क्या वो एक दो 4-5 हो गए मेरे स्टूडेंट रह चुकी हैं, ये मुस्लिम लड़कियां, तो ये मुस्लिम लड़के भी 4-5 स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, तो वो थोड़े मतलब 2-4 लड़कियां मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है, उन लोगों को मतलब वो लोग, उन लोगों के नाम से मैं पहचानता हूँ, और उन लोगों के तौर तरीके, उन लोगों मतलब उन लोगों के साथ उठना बैठना मेरा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको यहीं पे बैठ के बोल सकता हूँ ये कानून, ये लोग कैसे ये गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये कानून, ये कोई अल्लाह का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये इंसानों ने लिखा, और क्यों लिखा इसका भी मैं आपको ये एनालिसिस करके समझा दे रहा हूँ। सुनो, ये जो पैसा दे के आप लड़की लाओगे, 13 साल ये मतलब आपका जो वो लड़की जो आप बोल रहे हो जवान हो गई, तब उसको ये उसके शादी का उम्र हो गया, वो शादी कर सकती है, ठीक है, मान लो 10 साल 12 साल की लड़की, ठीक है, 12 साल की लड़की शादी करेगी, दुनियादारी के बारे में क्या उसको मालूम है। ये जो बड़े बड़े जो पैसे वाले होंगे वो आएंगे किसके पास, ये इस लड़की के, गरीब लड़की के पास, मैं तेरे को 5 लाख मेहर दूंगा, ये फटीचर गरीब मुसलमान वो दो दो दिन में मतलब 16 बच्चे पैदा किए होंगे, इन लोगों के पास दिन में खाने के लिए पैसा नहीं, वो किसको देगा, ये लड़की का बाप बोलेगा मैं तेरे को 5 लाख लड़का ये रुपया दूंगा, तुम मेरे को अपनी लड़की दे, ठीक है, वो बूढ़ा होगा 60 साल का, ये लड़की होगी 13 साल की। ये लड़की मना कर रही होगी, नहीं नहीं मैं बुढ़े के साथ, ये लड़की मना कर रही होगी मैं बुढ़े के साथ शादी नहीं करूंगी,
ठीक है, उसको उसके माँ बाप क्या ये हवाला देते होंगे, देख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ऐसा उनके साथ कैसे शादी कर ली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ये 54 साल थी और वो तो 60 साल 65 साल तक शादी करते, मतलब जितने दिन जिंदा रहे उतना तक वो शादी करते रहे, ठीक है। तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर अगर शादी ये 13 साल की 9 साल की लड़की के साथ कर सकती है, 13 साल है ठीक है। ये लड़की खुद से डिसीजन ये ले रही है, मेरे को इतना मेहर चाहिए मैं शादी करने के लिए, डिसीजन कौन ले रहा है, डिसीजन उसका बाप ले रहा है, लड़की को बेच रहा है। ये कानून लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब इसको आप कह सकते हो अभिशाप है ये कानून, ये जो मेहर वाला कानून है। आप लोग ये जो भी देख रहे हैं, आप लोग देखो आपके आस पड़ोस में देखो क्या चल क्या रहा है, वो भी देखो, ठीक है। और इसके और क्या ये होगा, ये इस मेहर के कानून से, एक तो कम उम्र की लड़की जिसको डिसीजन लेने की काबिलियत नहीं है वो लोग एक्सप्लोइटेड हो जाएंगे, ठीक है, उन लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। फायदा किसको हो रहा है, 60 साल के बूढ़े को, 60 साल जी पैसे वालों को फायदा हो रहा है, वो दो चार महीने उसके साथ ये क्या, उसके बाद तलाक कर दिया, तलाक तो अब दे सकते हो, एक बार एक टाइम में 4 बीबी रख सकते हो, ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आप 100 शादी कर सकते हो, कोई नहीं 100 शादी कर सकते हो, लेकिन एक टाइम में 4 से ज़्यादा नहीं। तो ये लड़की लेके गया ये इसको 2-4 महीने बस ये इधर उधर क्या करा, बस इसको ये तलाक दे के निकाल दिया, वो तो मेहर तो पूरा कर चुका है, लड़की चली आई, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या है, ये है क्या। अगर आप देखो वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा, किसी लड़की को बोलूँगा, मैं तेरे को 2 लाख रुपये देता हूँ, ठीक है, मैं देता हूँ 2 लाख रुपए, तुम मेरे साथ 4 महीने रहे, 4 महीने भी छोड़ मेरे को 1 महीना रहे, 1 महीना भी छोड़ मैं 15 दिन के रहे, मेरे को ढूंढ के लाओ जो 13 साल की ये लड़की जो भी है, आपके इस्लामिक कानून के ये जैसा लिखा गया है, 13 साल की हो 12 साल की हो जो भी हो, मतलब वो मेरे को ला के दो, मैं 2 दिन ये दो दिन उसके साथ निकाह करता हूँ, मेहर ये मैं 2 लाख रुपया देता हूँ, मेरे को ला के दिखाओ। ये मैं अगर यही कहूँगा, निकाह पिका मैं कुछ नहीं करूँगा, निकाह तो एक मतलब ये निकाह को यूज़ कर रहे हैं, ये मतलब समझ रहे हो, वो निकाह को यूज़ कर रहे हैं, ये कोई निकाह नहीं कर रहा, ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, मैं आपको देता हूँ 2 लाख, ठीक है, खाली सिर्फ 2 दिन के लिए, आप अपनी बेटी दोगे, लेकिन मैं जाके बोलूँ मैं निकाह करूँगा, तलाक मैं कब दे सकता हूँ, इसका तो कोई गारंटी नहीं है, मेरे ऊपर निर्भर करता है, मैं बोलूँगा मैं ये निकाह करता हूँ, आप अपनी बेटी दो 2 लाख रुपया दूंगा मैं, आप दोगे, बिल्कुल दोगे, एक झमेला यहाँ पे है, मुस्लिम बनना पड़ेगा, ठीक है मैं मुस्लिम बन जाऊँगा शादी भी कर लूँगा, इसका मतलब मेरे पास जितना ज़्यादा पैसा है उतने ज़्यादा 13 साल की लड़की मैं ले सकता हूँ ये समझ रहे हो, ये है क्या चीज़, ये आला लिख के भेजा, आप लोग मेरे को ये समझा रहे हो, ये कानून आला लिख के भेजा है, आला लिख के भेजा। और एक बात मेरे से सुनो, मैं एक लड़की से शादी करूँगा, मैं उसको पैसे क्यों दूंगा, मैं उसको पैसे दूंगा क्यों, मैं मुसलमान हूँ, मान लो मान के चलो मैं मुसलमान हूँ, मैं एक लड़की के साथ शादी करूंगा, मैं उसको पैसे क्यों दूंगा, मेहर क्यों दूंगा, मेरे को जस्टिफिकेशन बताओ, क्यों दूंगा मैं पैसे, मेरे ऊपर वो एहसान कर रही है मेरे से शादी करके, मेरे ऊपर वो एहसान कर रही है, अपना बॉडी दे रही है, मैं भी तो अपना बॉडी दे रहा हूँ ना,
तो वो मेरे घर में आके क्या वो तो वो अगर ये मेरे ये मैं अगर उसके साथ कर रहा हूँ, वो भी तो मेरे साथ वही कर रही है ना, तो वो मेरे को पैसा दे, मैं क्यों मेहर दूँ उसको? क्यों मैं किसके साथ शादी करूंगा, मैं उसको पैसा क्यों दूंगा? मैं क्या उसको खरीद रहा हूँ? मैं उसको खरीद रहा हूँ थोड़ी, जो मैं पैसा दूँ, मैं क्यों पैसा दूंगा? आप लोग क्यों दिए आला लिखा? आला कैसे लिखा? आला पूछो, मैं अगर शादी करने जा रहा हूँ, मैं पैसा क्यों दूंगा? क्यों दूंगा मैं पैसा? आला लिखा, इन लोगों को आला लिख के भेजता है। अगली बार जब आप लोग आला से मिल के जाना, मेरे से एक अपॉइंटमेंट फीस, मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट फीस कर लेना, ठीक है? ये वो पंडित बोल रहा है, ये आपसे मिलना चाहता है, आपसे थोड़ा डिबेट करना चाहता है। तू आप कैसे कानून बना दिए? तो ये क्या तख्ते क्या कौन सा लोहे का अजल पे लिख दिया। तो पंडित थोड़ा देखना चाहता है कैसे आप कानून बनाते हैं, पंडित समझना चाहता है। पंडित तो बोल रहा है वो हिंदुओं का कानून वो बना रहा है। और ये पूछ रहा है मैं लड़की को शादी करने, पंडित ये पूछ रहा है, ये हम लड़की मैं पंडित लड़की की शादी करने के लिए जा रहा है, पंडित पैसा क्यों देगा, मेहर क्यों देगा, ये पूछ रहा है। मैं शादी करने जाऊंगा, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, काहे के लिए मैं दूं? वो ये, और ये, अगर ये दूंगा तो फिलहाल दूंगा लड़की के साथ, ये गहने के ये पैसा 2 लाख, एक एक ये आदमी 5,000 मेहर पे शादी कर रहे हैं। 5,000 भी छोड़ो, 2,000 2,500 5,000 मेहर पे शादी कर रहे हैं। 5,000 से लड़की का 1 महीने का खर्चा भी नहीं निकलेगा, तो वो 5,000 रुपया क्यों ले रही है? किस इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। अल्लाह दिख के बैठ, आप लोग कभी इंसान नहीं बन पाओगे, कभी नहीं। इंसान बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी होता है। आप लोग तो मदरसा में जाओगे, अलाहाबाद अलाहाबाद अल्लाह 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 फलाना अल्लाह करीम अल्लाह अकबर अल्लाह बाबर अल्लाह शाहजहान अल्लाह नूरजहान क्या क्या अल्लाह अल्लाह कर करके चले आओगे। ये सब पढ़ने के लिए दिमाग को पूरा एकदम ये करना पड़ता है, ठीक है? किस चीज़ क्या करना पड़ता है, दिमाग की पूरा टोटल एक्सरसाइज करना पड़ता है। आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे जीरो दिमाग का एक्सरसाइज है। आप क्या रट्टा लगा रहे हो, ये रट्टा लगाने वाला काम नहीं है। ये जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये एक्यूरेट वही ये फॉर्मूला है। आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो रहा है ये नियम लिखना होगा, ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे इसको चेक बिठाना पड़ेगा, ये हो रहा है, ये एक स्पेशलाइज्ड काम है। तो किसी को भी पकड़ के लेके ये बिठा लोगे वो नियम नहीं लिख पाएगा, ठीक है? अगर ये मेरे को भी किसी दिन मौका मिले, मैं इतना आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ, मैं पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकता हूँ, मेरे को देखने की भी ज़रूरत नहीं। मैंने तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, लेकिन मैं मुझे अगर कोई ये काम दे तो मैं इधर से उधर ये जो भी है इससे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकता हूँ। मेरे में इतनी ये कैपेबिलिटी, यही काम हम करते आ रहे हैं कब से। तो आप बोलोगे नहीं ये अल्लाह कर अल्लाह ये रूल्स लिख रहा है, अल्लाह रूल्स लिख रहा है, मैं मेहर दो ऊटू करो। चलो अब अल्लाह अल्लाह, कभी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया इंडिया में तो आप लोग ये कम से कम मेरे से पूछ लेना, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरे को कौन पूछेगा, ठीक है? अगर ठीक है वो लोग क्या कानून बनाते हैं देखते हैं, उसके अंदर क्या डिफेक्ट है मैं बोल दूँगा। इस दुनिया में कोई भी कानून लेके आके मेरे को खाली यहाँ पढ़ाओ, मैं वो सोसाइटी कैसी रही होगी मैं आपको यहीं पर बैठ के भी बता दूंगा। वो सोसाइटी फंक्शन कैसे कर रही है कि ये कानून का क्या नुकसान होगा क्या बेनिफिट होगा मैं आपको यहीं पे बैठ के बता दूंगा। ये हम कब से यही काम करते आ रहे हैं। आप लोग हमें आके बोलोगे सरिया अल्लाह ने लिखा होगा, आप लोग ईमान लाए हो,
खुश रहो। जय श्री राम।